सुप्रीम कोर्ट के सहारे एक बार फिर हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्लोर टेस्ट के नतीजों की औपचारिक घोषणा की, जिसके बाद सूबे से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों पर थिरकते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की खुशी इन तस्वीरों से साफ देखी जा सकती है। इन तस्वीरों में कांग्रेस की जीत का जश्न है, विजय की खुशी और सत्ता दोबारा हासिल करने का उत्सव है। वैसे तो फ्लोर टेस्ट के बाद साफ हो गया था कि हरीश रावत ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी औपचारिक घोषणा की तो उत्तराखंड में दिवाली मनाई गई। जीत के जश्न में सराबोर कांग्रेस समर्थक सड़क पर उतर आए और नाच गाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का त्योहार मनाया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के साथ ही अब 50 दिनों बाद सूबे से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है और इसी के साथ एक बार फिर उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार वापस लौट आई है। वैसे कांग्रेस को जीत दिलाने में निर्दलीय और बीएसपी विधायकों का बड़ा रोल रहा है। सीलबंद लिफाफे से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के 26, पीडीएफ के 6, नॉमिनेटेड एक विधायक की बदौलत 33 वोटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी 27 और कांग्रेस की बागी एक विधायक के साथ बीजेपी 28 वोटों के साथ सिमट कर रह गई। कांग्रेस को मिली शानदार जीत पर हरीश रावत ने न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वे संविधान के एक रक्षक के रूप में आगे आए हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसले के बाद पीएम मोदी को जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार को जो बुरा करना था उन्होंने किया, हमने अपना बेहतर किया, लोकतंत्र की जीत हुई, मोदी जी शायद इससे सीख लेंगे, इस देश के लोग लोकतंत्र की हत्या होते नहीं देखेंगे। वैसे कांग्रेस के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो साफ है कि करीब 2.25 महीने बाद अब सूबे के लोगों को राष्ट्रपति शासन से मुक्ति मिल गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस की जीत हुई है। देखते रहिए जीबी लाइव।